फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड आज मैं आपको क्लास 12 बायोलॉजी में गुरु बीजाणु जनन पढ़ाऊंगा। ये आपके बायोलॉजी एनसीईआरटी के सेकंड लेसन जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से लिया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड गुरु बीजाणु जनन क्या होता है? गुरु बीजाणु जनन जो होता है इसमें किसका निर्माण होता है? अंड कोशिका का निर्माण होता है, जो की एक मादा युग्मक है, यानी कि यही नर युग्मक से जब मिलती है तब भ्रूण का निर्माण होता है। किसमें? पुष्प में, क्योंकि लेसन का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है। तो मैंने आपको लघु बीजाणु जनन बता दिया था जिसमें निर्माण हो रहा था किसका? पराग कणों का। और पराग कण क्या होते हैं फ्रेंड? नर युग्मक, ठीक है। तो चलिए हम गुरु बीजाणु जनन समझते हैं, क्योंकि नर युग्मक का निर्माण को मैंने आपको बता दिया था, मादा युग्मक के निर्माण को बताने जा रहा हूं, और जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तभी भ्रूण का निर्माण, नए संतान की उत्पत्ति होगी। तो चलिए फ्रेंड गुरु बीजाणु जनन क्या होता है? तो गुरु बीजाणु जनन की सबसे पहले परिभाषा दिखाते हैं, उसके बाद मैंने कई चित्र बना कर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड गुरु बीजाणु जनन की परिभाषा क्या होती है? गुरु बीजाणु जनन जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो फ्रेंड गुरु बीजाणु जनन मात्र कोशिका, ये कोशिका है जिससे गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, यानी कि किसका? अंड कोशिका का। अंड कोशिका को गुरु बीजाणु भी कहते हैं, और पराग कण को क्या कहते थे? लघु बीजाणु, ठीक है। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं फ्रेंड, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अंड कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन, ठीक है फ्रेंड। तो ये तो आपको समझ में इसकी डेफिनेशन आ गई होगी। अब चित्र की सहायता से मैं आपको दिखाऊंगा कि गुरु बीजाणुओं का निर्माण किस प्रकार होता है। तो फ्रेंड इस परिभाषा को एक बार फिर से देख लीजिए कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन। जैसे अंड कोशिका क्या है? एक मादा युग्मक है। चलिए फ्रेंड हम चलते हैं अपने चित्र की ओर, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो फ्रेंड मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? अंडाशय में, ठीक है। अंडाशय में कहाँ होता है? बीजांड में। कई बीजांड पाए जाते हैं। बीजांड में कहाँ होता है? भ्रूणपोष में, ठीक है। तो ये एक बीजांड का चित्र है, ये देखिए जो रेड कलर से बना हुआ है, ठीक है। और ये जो आपका ब्लू कलर के अंदर क्या है, इसे कहते हैं फ्रेंड भ्रूण कोष, ठीक है, भ्रूण कोष कहते हैं। अब इसी भ्रूण कोष के अंदर गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा, जिसका नाम है अंड कोशिका का निर्माण इसी के अंदर होगा। कैसे होगा इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो फ्रेंड इसके अंदर एक कोशिका पाई जाती है, क्या? एक कोशिका पाई जाती है जिसका नाम क्या है फ्रेंड? अधःस्तरीय कोशिका। क्या? अधःस्तरीय कोशिका। तो फ्रेंड इसे स्टेप बाय स्टेप समझिए, ठीक है। सबसे पहले भ्रूण कोष में एक कोशिका पाई जाती है जिसका नाम है फ्रेंड अधःस्तरीय कोशिका, ठीक है। अब फ्रेंड इसमें क्या होता है कि सबसे पहले होता है फ्रेंड इसमें कोशिका विभाजन। क्या होता है? इसमें होता है विभाजन, ठीक है। कौन सा विभाजन? कोशिका विभाजन, ठीक है। तो क्या बनता है फ्रेंड? इसमें दो कोशिका का निर्माण होता है। किसका? दो कोशिकाओं का। अब इन दोनों कोशिकाओं का नाम क्या है फ्रेंड? तो उसको भी देखिए। सबसे पहला जो नाम है वो है बीजाणु जनन कोशिका, ठीक है, बीजाणु जनन कोशिका, ठीक है। तो फ्रेंड इसमें सबसे पहले एक अधःस्तरीय कोशिका पाई जाती है भ्रूण कोष में, जो विभाजित होकर किसका निर्माण करती है? बीजाणु जनन कोशिका। ये है आपका पहला कोशिका, ठीक है। और दूसरी कोशिका किसे क्या कहा जाता है? भित्तीय कोशिका, भित्तीय कोशिका, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो फ्रेंड इसे लिख दीजिए कोशिका, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? जो बीजाणु भ्रूण कोष होता है इसमें एक कोशिका पाई जाती है जिसका नाम है अधःस्तरीय कोशिका, विभाजित होकर दो कोशिकाओं का निर्माण करती है, बीजाणु जनन कोशिका और भित्तीय कोशिका। अब फ्रेंड क्या है, ये जो भित्तीय कोशिका होती है, ये जो भित्तीय कोशिका होती है, ये आपकी भित्तीय कोशिका जो है ये इसी में रह जाती है। किसमें? ये जो भ्रूण कोष है इसमें ही ये समाहित रहती है, जो है भित्तीय कोशिका, ठीक है। और ये जो बीजाणु जनन कोशिका है फ्रेंड, अब बीजाणु जनन कोशिका क्या करेगी आगे का प्रोसेस तो देखिए। तो फ्रेंड जो बीजाणु जनन कोशिका है ये काम करने लगेगी किसका? नीचे देखिए मैं लिख रहा हूं, आप ऐसे समझते चलिए। बीजाणु जनन कोशिका जो है ये कार्य करने लगेगी बिना विभाजित हुए, बिना विभाजित हुए कार्य करने लगेगी गुरु बीजाणु
मात्र कोशिका का, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो आपका बीजाणु जनन कोशिका है ये बिना विभाजित हुए, यानी कि यहाँ पर लिख दीजिए आप बिना विभाजित हुए, ठीक है, बिना विभाजित हुए, यानी कि इसमें कोई कोशिका विभाजन नहीं होगा, फिर भी ये किसका कार्य करने लगेगी, गुड़ बीजाणु मात्र कोशिका। तो फ्रेंड ये आप स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए कि सबसे पहले भ्रूण कोष में अधःस्तरीय कोशिका पाई जाती है, विभाजित होकर दो कोशिकाओं का निर्माण करती है, बीजाणु जनन कोशिका और भित्तीय कोशिका। अब भित्तीय कोशिका इसी भ्रूण कोष में समाहित रहती है और बीजाणु जनन कोशिका जो होती है फ्रेंड वो गुड़ बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करने लगती है। अब फ्रेंड गुड़ बीजाणु जनन कोशिका जो है ये किसका कार्य करने लगती है, मात्र कोशिका, गुड़ बीजाणु मात्र कोशिका। अब फ्रेंड एक चीज यहाँ पर और देखिए कि जो गुड़ बीजाणु मात्र कोशिका है ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा चार गुड़ बीजाणुओं का निर्माण करती है। कितने गुड़ बीजाणुओं का फ्रेंड, यहाँ पर देखिए चार गुड़ बीजाणुओं का निर्माण करती है। ये देखिए फ्रेंड ये चार गुड़ बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। गुड़ बीजाणु का मतलब किसका, अंड कोशिका का, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड सबसे पहले ये जो गुड़ बीजाणु मात्र कोशिका है जो कि बीजाणु जनन कोशिका जो थी वो गुड़ बीजाणु मात्र कोशिका का कार्य करने लगी। अब ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा चार गुड़ बीजाणु का निर्माण करती है, गुड़ बीजाणु का निर्माण करती है। तो इतना तो फ्रेंड आपको समझ में आ ही गया होगा, इन चारों को मैंने यहां पर बना दिया, ठीक है। अब इन चार में से फ्रेंड तीन जो है वो नष्ट हो जाते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि तीन गुड़ बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। और फ्रेंड ये जो होता है ये चारों जो होते हैं ये अगुणित होते हैं, यानी कि अगुणित होते हैं, द्विगुणित नहीं होते। तो तीन गुड़ बीजाणु इसमें से नष्ट हो जाते हैं और जो फ्रेंड एक गुड़ बीजाणु बचता है एक क्रियाशील होता है, जो एक क्रियाशील गुड़ बीजाणु बचता है वही आपका बचता है, ठीक है। यहाँ पर लिखिए क्रियाशील गुरु बीजाणु, ठीक है। अब फ्रेंड देखिए क्या होगा, आगे देखिए प्रोसेस। तो फ्रेंड जो एक क्रियाशील गुड़ बीजाणु है कितना बचा, जब तीन यहाँ पर नष्ट हो गए तो यहाँ पर फ्रेंड सिर्फ एक ही बचा, ठीक है, एक ही गुड़ बीजाणु बचा। अब फ्रेंड इसमें कौन सा प्रोसेस होगा तो इसको भी देखिए, तो इसमें एक विभाजन होगा, ठीक है, एक विभाजन होगा जिसे कहते हैं फ्रेंड समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, ठीक है। अब जब फ्रेंड समसूत्री विभाजन होता है तो एक कोशिका का समसूत्री विभाजन अगर होता है तो एक से दो हो जाती हैं, अगर दो होंगी तो चार हो जाएंगी, ठीक है, मतलब उसी के समान उतनी ही कोशिकाएं उत्पन्न होंगी। तो देखिए फ्रेंड यहां पर जब समसूत्री विभाजन हुआ तो यहां पर दो कोशिकाएं जो है वो उत्पन्न हो गई, ठीक है, दो कोशिकाएं उत्पन्न हो गई, एक ये और एक ये, ठीक है। तो एक जो है फ्रेंड ये निभाग की ओर चला गया, इसे कहते हैं फ्रेंड निभाग, क्योंकि यहां पर देखिए जो आवरण है ये यहां पर खाली है ना, तो इसे कहा जाता है फ्रेंड निभाग, और इसे कहते हैं फ्रेंड बीजाणु द्वार। तो एक कोशिका जो है वो बीजाणु द्वार की तरफ चला गया और एक कोशिका जो है फ्रेंड निभाग की ओर चला गया, ठीक है। तो इतना प्रोसेस आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आगे देखिए फ्रेंड क्या होता है, तो आगे का प्रोसेस फ्रेंड आपका है ये जो एक है जो निभाग की ओर चला गया और दूसरा आपका बीजाणु द्वार की ओर चला गया। अब फ्रेंड इसमें फिर से वही होगा, वही चीज इसमें फिर से होगा, क्या, समसूत्री विभाजन, ठीक है, समसूत्री विभाजन फिर से होगा। अब फ्रेंड मैंने कहा कि जब दो कोशिकाएं होंगी तो अगर उनमें समसूत्री विभाजन होगा तो उतनी ही कोशिकाएं और उत्पन्न हो जाएंगी। तो देखिए फ्रेंड क्या होता है आगे, उतनी ही कोशिकाएं जो है फ्रेंड वो फिर से उत्पन्न हो जाएंगी। ये देखिए एक दो तीन चार कोशिकाएं उत्पन्न हो गई, दो निभाग की ओर और दो बीजाणु द्वार की ओर। तो फ्रेंड ये भी समसूत्री विभाजन से दो से चार हो गई, ठीक है। अब आपको यहां पर एक चीज और फिर से देखना है, फिर से इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन, ठीक है, समसूत्री विभाजन। तो फ्रेंड फिर से इसमें समसूत्री विभाजन हो रहा है, तो देखिए क्या होगा, चार कोशिकाएं थी अब कितनी हो जाएंगी फ्रेंड, अब हो जाएंगी इसमें एक दो तीन चार पांच छ सात आठ कोशिकाएं, ठीक है। तो फ्रेंड समसूत्री विभाजन इसमें फिर से हो चुका है और ये आठ कोशिकाएं बन चुकी हैं। तो फ्रेंड इसे ध्यान से देखिए क्योंकि ये आप में गुड़ बीजाणु जनन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है।
तो फ्रेंड ये जो था इसमें क्या हुआ, समसूत्री विभाजन फिर से हुआ। अब 8 कोशिकाएं आपकी बन चुकी हैं, ठीक है। अब फ्रेंड देखिए आपका आगे क्या होगा, तो ये 8 कोशिकाएं आपकी जो हैं वो बिल्कुल से बन चुकी हैं। अब जो है फ्रेंड 3 कोशिकाएं यहां पर आ जाएंगी, ठीक है, 3 कोशिकाएं यहां पर आ जाएंगी, 2 यहां पर आ जाएंगी, ठीक है, और 3 यहां पर आ जाएंगी इस प्रकार से, ठीक है। अब इसे ध्यान से देखिए, ये आपका इतनी कोशिकाएं हो गई। इन जो ऊपर वाली कोशिकाएं हैं फ्रेंड, इनका नाम क्या है, प्रतिमुख कोशिकाएं। क्या? प्रतिमुख कोशिकाएं। तो फ्रेंड यही है आपकी प्रतिमुख कोशिका, तो इसे कहेंगे प्रतिमुख कोशिकाएं। ये जो दो आपके दिख रहे हैं कोशिका, इसे कहते हैं फ्रेंड द्वितीयक, यहां पर यह लिख दीजिए द्वितीयक केंद्रक, ठीक है। और फ्रेंड ये जो आपकी दो कोशिकाएं दिख रही हैं, ये सबसे कोने वाली और ये सबसे कोने वाली, ठीक है, इसे कहेंगे फ्रेंड सहायक कोशिका, ठीक है। अब फ्रेंड इसमें आपकी बारी आती है किसकी, जिसकी जिसके कारण हम लोगों ने इतना बड़ा प्रोसेस लिया, उसका नाम है फ्रेंड ये जो बीच वाली कोशिका आपको दिख रही है, ये बीच वाली कोशिका जो है फ्रेंड, इसका ही नाम है क्या, अंड कोशिका। क्या? अंड कोशिका, ठीक है, इसी को फ्रेंड कहते हैं अंड कोशिका। तो फ्रेंड ये था आपका क्या, गुर बीजाणु जनन की प्रक्रिया। तो सबसे पहले जो ये अंड कोशिका है फ्रेंड, यही है आपका क्या, मादा युग्मक, जिसका नाम है अंड कोशिका, ठीक है, इसे ही कहते हैं मादा युग्मक। तो इसका निर्माण हो चुका है, हमें इसी को निर्मित करना था, ये बीच में आपके निर्मित हो चुका है, ठीक है। तो सहायक कोशिका भी निर्मित हुई, द्वितीयक केंद्रक भी और प्रतिमुख कोशिका भी। तो आई होप कि आपको ये गुरु बीजाणु जनन समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो एक बार मैं फिर से आपको प्रोसेस इसका दिखा देता हूँ क्या था, ठीक है। तो फ्रेंड सबसे पहले जो है भ्रूण कोश में जो है फ्रेंड, वो अधःस्तरीय कोशिका पाई जाती है, एक कोशिका पाई जाती है जिसका नाम है फ्रेंड अधःस्तरीय कोशिका, ठीक है। इसमें यह विभाजित होकर दो कोशिकाओं का निर्माण करती है, बीजाणु जनन कोशिका और भित्तीय कोशिका, ठीक है। अब बीजाणु जनन कोशिका बिना विभाजित हुए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का कार्य करने लगती है। अब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धपुत्री विभाजन द्वारा 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये आपके थे गुरु बीजाणु, इनका निर्माण हो गया, जिनमें से फ्रेंड 3 नष्ट हो जाते हैं। देखिए फ्रेंड ये 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण हुआ, जिसमें से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, 1 क्रियाशील होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, ये तीनों आपके यहां पर आ चुके हैं, 1, 3 नष्ट हो गए तो 1 ही तो बचा, तो 1 आपका ये आ चुका है। अब फ्रेंड इसमें समसूत्री विभाजन होगा, ये जो 1 है इसमें समसूत्री विभाजन होगा, तो कितना समसूत्री विभाजन द्वारा 1 से 2 हो जाएगा, ठीक है, 2, जिसमें से 1 निभाग की ओर चला जाएगा, 1 चला इसके बीजाणु द्वार की ओर, ठीक है। अब फिर से इसमें समसूत्री विभाजन होगा फ्रेंड, तो क्या होगा, 2 से 4 हो जाएंगे, फिर समसूत्री विभाजन तो 4 से 8, अब 8 क्या हो जाएंगे, अपने आप व्यवस्थित हो जाएंगे, 3, 3, 6, 2, 8, जिसमें से ये बीच वाला द्वितीयक केंद्रक, ये वाला प्रतिमुख कोशिका, ये सहायक कोशिका और ये बीच वाली अंड कोशिका बन जाएगी। तो फ्रेंड यही अंड कोशिका आपका क्या है, मादा युग्मक, ठीक है फ्रेंड। तो ये था आपका गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया। तो फ्रेंड गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी, अब इसमें से थोड़ा प्रोसेस हम और देख लेते हैं। तो फ्रेंड यही आपका निर्माण हुआ है किसका, अंड कोशिका का। अब फ्रेंड ऐसे ही आपके अंड कोशिका का निर्माण हो चुका है। अब एक बात और फ्रेंड, ये तो आपका मादा युग्मक का निर्माण हो गया, अब नर युग्मक इसे फ्यूज कैसे करता है, यानी कि इसे निषेचन कैसे करता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब वर्तिकाग्र पर फ्रेंड क्या होता है, जब यहां से वर्तिकाग्र से जब वो नर युग्मक आता है, ये है मान लीजिए नर युग्मक, ठीक है, ये नर युग्मक है। अब फ्रेंड इस नर युग्मक में मैंने आपको बताया था 2 होती है नर युग्मक, एक परागकण में 2 नर युग्मक होते हैं, ठीक है, एक परागकण, ये एक परागकण है, इसमें 2 नर युग्मक है, ठीक है। तो फ्रेंड अब आप गेस कीजिए कि मान लीजिए ये एक नली आ रही है, जिसे मैंने बताया था आपको पराग नली, ठीक है, ये एक नली आ रही है और मतलब नली है तो फ्रेंड 2 नलियां रहेंगी, तो ये एक नली आ गई, ठीक है। अब फ्रेंड इसमें से जब एक परागकण अंदर आता है, ये आपका है परागकण, ठीक है, परागकण। अब एक परागकण जब आपके इस नली की सहायता से अंदर आएगा तो 2 नर युग्मक इसमें होंगे, ठीक है। तो एक नर युग्मक फ्रेंड इसके साथ फ्यूज कर लेगा, किसके, अंड कोशिका के साथ, ये देखिए फ्रेंड इसने फ्यूज कर लिया, ठीक है। और एक जो नर युग्मक है फ्रेंड वो इसके साथ फ्यूज कर लेगा, किसके, इसके साथ
फ्यूज कर लेगा। तो देखिए फ्रेंड, एक नर युग्मक जो था, जब इसमें परागकण आएगा नली की सहायता से किसके मादा युग्मक के पास निषेचन के लिए, जैसे फुकराणु और अंडारो मिलते हैं तो संतान की उत्पत्ति होती है, वैसे जब परागकण और अंडकोश का आपस में मिलेंगे तभी निर्माण होगा किसका, भ्रूण का। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, ये जब इसमें से एक परागकण आया तो दो नर युग्मक एक परागकण में होते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं, नोट भी लिख सकते हैं कि एक परागकण में दो नर युग्मक होते हैं। ठीक है, दो नर युग्मक होते हैं। अब परागकण का निर्माण कैसे होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो फ्रेंड इसमें से दो आए तो एक तो ये अंडकोशिका से फ्यूज करेगा क्योंकि ये मादा युग्मक है, और एक ये द्वितीय केंद्रक से जब फ्यूज करेगा तो फ्रेंड यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो बना आपका इसे कहते हैं फ्रेंड क्या, इधर देख लीजिए फ्रेंड, ये जो तीन वाला बना इसे कहते हैं फ्रेंड प्राथमिक क्या, भ्रूणपोष केंद्रक। ठीक है, इसे कहते हैं प्राथमिक भ्रूणकोष केंद्रक, और इसे इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में PEM, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN, यहां पर N कर दीजिए फ्रेंड, तो PEN, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो फ्रेंड इसमें प्राथमिक भ्रूणकोष केंद्रक ये बन जाएगा, इसे प्राथमिक भ्रूणकोष केंद्रक कहेंगे, और ये जब नर युग्मक और मादा युग्मक यहां पर फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। भ्रूण का मतलब क्या है फ्रेंड, संतान। तो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार परागकण यानी कि नर युग्मक मादा युग्मक से मिलता है। अब फ्रेंड एक चीज इसमें और पूछी जाती है कि जो प्राथमिक भ्रूणकोष केंद्रक है इसकी स्थिति कैसी होती है, ये आगुणित होती है कि द्विगुणित होती है कि त्रिगुणित होती है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि ये जो इसकी स्थिति होती है वो होती है 3N, यानी कि त्रिगुणित होती है। ठीक है, तो जो प्राथमिक भ्रूणकोष की केंद्रक की स्थिति होती है वो क्या होती है, 3N, और जो भ्रूण की स्थिति होती है फ्रेंड वो क्या होती है, 2N। ठीक है, ये जो भ्रूण बना इसकी स्थिति होगी क्या, दो है तो 2N, और ये क्या है, 1, 2, 3 है तो 3N। ठीक है, तो फ्रेंड अब कोई पूछे कि आपसे कि PEN की स्थिति क्या होती है, तो PEN की स्थिति क्या होती है फ्रेंड, त्रिगुणित। ठीक है, त्रिगुणित। तो फ्रेंड ये था आपका गुर बीजाणु जनन और किस प्रकार मिलते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि दोहरा निषेचन क्या होता है। तो फ्रेंड तब तक के लिए धन्यवाद, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि गुर बीजाणु जनन क्या है यानी कि मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है, और मैंने आपको बताया कि किस प्रकार नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं। तो फ्रेंड चलिए अब अगले वीडियो में मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ आऊंगा, एक नए स्टाइल से। ठीक है, तो फ्रेंड धन्यवाद।